क्या हुआ, करीब है दूर है, चीज ऐसी रखो कि बंदे के दिल पे लग जाए और पैसों को भाई भाई को चले जी। वो इसका भी सौदा ऑलमोस्ट हो चुका है भाई, दोबारा आए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत होंगे। आज हम मलेरकोट मंडी में मौजूद हैं और गर्मी की शिद्दत दो तीन दिन से बहुत ज़्यादा हो रही है, तो परचेजिंग के ऊपर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, कुछ बातें आपसे शेयर करनी थी मंडी में जब आप आएँ, कुछ पॉइंट्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, कुछ आपके काम आएंगे, तो जो हमारा तजर्बा है छोटा मोटा जो भी तजर्बा है तो आपके साथ शेयर करें। तो जब भी आप मंडी में आएँ, मंडी में आके रेट लें, रेट ना लगाएं और थोड़ी देर वेट करें, जज करें कि मंडी की सूरत हाल क्या है। ये भी एक ट्रेडिंग की तरह है, जैसे ट्रेड होती है घंटों के हिसाब से और दिन के हिसाब से भी ट्रेड होती है यहाँ पर, तो माल में कुछ कमी पेशी हो जाती है, ऐसा नहीं है। तो जज करें, वेट करने से काफ़ी फ़ायदा है, जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी में देखें, नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। और जल्दबाजी में अच्छे भी सौदे हो जाते हैं, तो वो ऐसा है कि 10% 5% इससे ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं है आपको, और कुछ वो तो फिर गोल्डन चांस है आपको कि 100% बहुत ही अच्छा मिल गया, नसीब से मिल गया और अगले बंदे को नीड थी तो उसने आपको दे दिया, ये तो लक के ऊपर बात है। मेन इंपॉर्टेंट बात है, बात सारी है कि जब मंडी में आए रेट लें सबों से, वेट करने वाले डिसीजन लें जो आपके साथ हैं, मशवरे में खैर है, बरकत भी है। तो हमारा कहने का मतलब और समझाने का मतलब यही है कि देखें आपके शौक में इजाफा हो और आपको नुकसान ना हो, क्योंकि नुकसान होने से फिर बंदा काफ़ी टूट जाता है, और जिन लोगों का तजर्बा है उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके निकाल लेंगे। तो ये मैसेज था आपको देने के लिए, ये पॉइंट्स थे छोटे मोटे जो भी पॉइंट्स हैं ये आपके बहुत काम आएंगे, इससे आपको बहुत आसानी होगी माल ख़रीदने में, और कल को आप जब माल बेचेंगे तो उसमें भी आपको समझ होगी। अभी तो आप परचेजिंग करने जब बकरीद का टाइम आएगा आपको मालूम होगा कि आया कि माल हमने महंगा ख़रीदा सस्ता ख़रीदा, तो ये मेन इंपॉर्टेंट बात है आपके जहन में बिठाना ज़रूरी थी कि भाई देखें घबराना नहीं है, वेट करें, सब्र करें और अच्छा सौदा लेके जाएं और अच्छी क्वालिटी के जानवर लेके, ताकि कल को आप जब बेचें या पालें जो भी हो रिज़ल्ट अच्छा आपको नज़र आए। तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और अपने शौक में। अच्छा भाई, ये कुछ भाई के पास टीले पे माल खड़ा हुआ है, ये फैंसी माल ही स्टार्ट होता है यहाँ से माशाल्लाह। ये बैग है बछड़ों की, ठीक है, और इसके साथ वाला भी वो 19-20 ही मुझे लग रहा है। तो ये फूल प्योर मोने में है और काफ़ी कसा हुआ बच्चा है, छालर और नाव आपके सामने है, क्वालिटी वाला बच्चा है। इसके साथ वाला है, ये भी पंजाब है, ये भी पंजाब ब्रीड है। अस्सलाम वालेकुम भजन, क्या हाल है, खैरियत से? ये पेवर साहब वाले मालिक को पता है? अच्छा, चलें जी मालिक के पास चलते हैं। तीन जानवर हैं और इंतहाई खूबसूरत अपना प्रिंट में बच्चा है, लेकिन थोड़ा एग्रेसिव लग रहा मुझे। हाँ भाई, ये वाला बछड़ा देखें आप, गरीब है, ये मुंह से क्या है, अभी दो दांत अभी हुआ है, ठीक है जी माशाल्लाह। इसकी भी नाप ज्यादा है। अच्छा, इन दोनों बछड़ों से ये जो है इससे ही मुझे थोड़ा भारी लग रहा है भाई, इसके क्या मोल कर रहा हूँ? 3,80,000 रुपये। और ये वेट में कितना होगा, वज़न में 7 मंथ तक होगा, ठीक है जी। और ये जो बछड़े हैं इनका क्या कह रहा हूँ? अच्छा, मुंह से क्या है ये भी तो बताओ। दांत अभी निकाले दोनों। अच्छा, इसने दांत अभी निकाले हैं, ये भी निकाले, इसने भी निकाले हैं दांत, ठीक है जी। अच्छा, इसका 3.5 लाख रुपये आप बोल रहे हो, और इनका क्या बोल रहे हो ये बताओ? इसका बोल रहा हूँ 280, ठीक है। और इसका? इसका 3.20। उमर नंबर बताओ? 0304 23 28 692। उम्र ये अपने गटर। अच्छा माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत बच्चा है, पिंक टोन में आ रहा है। और ये बाकी नीचे की तरफ माल खड़ा हुआ इस साइड पर, ये फैंसी माल है स्टार्टिंग में, और ऐसे अंदर की तरफ जाएंगे तो माल सब मिक्स होता है, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, ये सारे जो काले बछड़े आपको नज़र आ रहे हैं तो इनका भी रेट मालूम करेंगे, अगर भाई बताएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। नीचे की जगह चलते हैं, भाई से पूछते हैं रेट इनका। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, क्या मोल कर रहे हो इसका? 6.5 लाख रुपये दोनों के। अच्छा जी, ये खीरे हैं मुँह से, खीरे बच्चे हैं, 6.5 लाख रुपये मोल कर रहे हैं। और ये वाला बहुत ही खूबसूरत बच्चा है, इसके साथ वाला ये देख सकते हैं,
चारों पे नीचे से वाइट हैं और माथे पे स्पॉट आ रहा है वाइट कलर का और 6.5 लाख रुपये मॉल कर रहे हैं। फैंसी माल है छे बच्चे। अच्छा भाई ये बताओ आपने इन दोनों में से कौन सा मांगा? ये वाला मांगा है। तो ये मुँह से क्या है? अज्ञा 2 लाख रुपये मुँह से क्या है? अच्छा वो भाई कह रहे हैं भाई 2.5 लाख रुपये मोल कर रहे हैं। ये भाई बोल रहे हैं भाई वो 10 भी बोल सकता है। अच्छा ये वजन में कितना है भाई, क्या कह रहे हैं वजन में? 8-9 मन के करीब बता रहे हैं। ठीक है जी, ये नस्ल कौन सी है? नस्ल होने वाले नहीं, नस्ल कौन सी है? अच्छा उमर कोटी। माशाल्लाह बहुत ही कसा हुआ बच्चा है। तो कितना फ़र्क रह गया बाबा जी? पक्का मंगो। क्या हुआ, करीब है दूर है? ठीक है जी, थोड़ा चल रहा है काम। तू पक्का मांगे? बस समझ आ रही, 8 माल बच्चा है, 3.5 मांगू 4 मांगू माल का माल बिकेगा। माशाल्लाह चीज जो है एक्टिव है, थोड़ा मेला हो रहा है और अभी पक्का खीरा है। दांत करेगा। हाँ भाई क्या समझ में आ रहा है? बन है बात, इंशाल्लाह बन जाएगी। थोड़ी धूप सर पे लगेगी ना। ठीक है बछड़े के तुम्हारे कच्चा मंगा ना, कच्चा मंगा मिल चलना सौदा में कभी भेजी चल रहा, जोड़ तोड़ अच्छी बात है, जोड़ तोड़ होगा तो सौदा होगा। अदर को बुलाया जा रहा भाई मशवरे के लिए। और आपने कितने बोले भाई? इतना फर्क थोड़ी है यार, यार ये 80 पे भी आ जाएगा यार। 2 तो तुमने लगा दिए, थोड़ी धूप सर पे लगती है। खैर जी वो सौदा ऐसा है कि 15,000 रुपये का फ़र्क आ रहा है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा। तो भाई आगे की तरफ जा चुके हैं और भाई ने आवाज़ भी मारी, तो अभी वेट कर रहे हैं, अभी आए मंडी में। बछड़ा मुझे भी अच्छा लगा, हाइट में भी अच्छा था और कोशिश इनकी जारी है, हमारी भी कोशिश है कि सौदा बने। अस्सलाम वालेकुम, क्या मोल कर रहे हो भाई इसका? 1 पीस। ये बिचोला तू भले वन तो के मु इज्जत कयो यकीन गने हजार रे मत्ते वटे। चलो बाजार तू न रे बस हां वही नसीबाग मा वन चले जी। जो आगे साथी का है उन्होंने भी ये बछड़ा मांगा। कोनो मर्जी है ले लो यार, बस बिस्मिल्लाह करो दो भाई भाई को। चले जी वो इसका भी सौदा ऑलमोस्ट हो चुका है, भाई दोबारा आए और मांग के गए 1,000 रुपये ऊपर करें। अब देखना ये कि ये सौदा कितने में हुआ है। बच्चा खूबसूरत है, इतना बड़ा नहीं है, छोटा है, दरमियाने साइज़ का। और ये बछड़े कुछ खड़े में चीना प्रिंट में हैं, अगर इनसे रेट बताएंगे तो रेट भी उसके बता देंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम। अरे जी खीरा ये धुंधा है? अच्छा जी जोड़ा है? हाँ जोड़ा। अच्छा जी वो भी धुंधा है? अरे ये धुंधा है अभी अभी रिसेंटली हुआ। अच्छा रिसेंटली हुआ है। चले जी क्या मोल कर रहे हैं इनका? 4 लाख। 4 लाख जोड़ी का? ठीक है जी। और ये वज़न में कितना है? ये तकरीबन 4.5-5 के करीब है। 4.5-5 मन एक का या दोनों का? एक का। अच्छा यही दोनों हैं या वो भी आगे वाले? वो भी आपके हैं। अच्छा उनका मैं रेट बताता हूँ फिर मैं व्यूअर्स आपको करीब से दिखाऊंगा। उनका रेट बता दें, ब्लैक एंड वाइट का और ब्राउन वाइट का? इनकी जोड़ी के हैं 2460। 460 जोड़ी का। और वो मुँह से वो भी खीरे हैं या धोंधे? अभी रिसेंटली हुआ, रिसेंटली 2-2 दांत हुए। चारों दाने जो आपको खड़े में बता के देंगे जो भी आपको, तो उनका रेट भी बता दिया। वहाँ पर फार्म है लांडी में, लांडी में ये शेर पाव की तरफ जो नेवी की दीवार है उसके साथ ही इनका फार्म है। अभी फ़िलहाल ये मलिर मंडी में आए हैं और आई होप इनके बछड़े अगर बिक जाए तो वेल एंड गुड है, और भी माल है। तो वो बछड़े वज़न में 5-5 मन के। चलें आपने नंबर बताइएगा। 0336-0336-227-6680-6680। तो व्यूवर्स वो बछड़े मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये 2 बछड़ों की जोड़ी थी जो कि 4.5-4 मन के बता रहे थे और ये वाले 5-5 मन के बता रहे हैं भाई।
देखना आप, ये थोड़े प्रिंट वाले हैं, ये थोड़े हाइट में सही है लेकिन थोड़ा इसामत से कम है। इनका चेहरा भी दिखा देता हूँ फ्रंट से, ये देख लो, ये इसके नथ गली हुई है, इसके साथ वाले के नथ नहीं है, और ये वाला इस साइड में छोटा है वो बड़ा है। उनके रेट भी बता दिए फाइनल, बाकी कमी पेशी हो जाएगी रेट में जो भाई लेगा। अच्छा जी, आगे की तरफ जा रहे हैं, और इस वाले बछड़े का पता नहीं है कि फाइनल हुआ है नहीं हुआ। भाई ले लिया, ये हो गया सौदा, सौदा हो गया इसका? नहीं नहीं। क्या कितना फ़र्क है क्या भाई का इसका, इस बछड़े का? वो पता नहीं भाई को पता। अच्छा, क्या मोल कर रहे हो इसके? इसका 120। 120 कर रहे हैं। मुंह से क्या खीरा है, धोंदा है? खीरा। खीरा बच्चा है भाई, 120 करके मोल कर रहे हैं। और मेरी नज़र में भाई अगर 65 तक में दे तो नॉट बैड, अच्छा बच्चा है, खूबसूरत है। भाई अगर ये 60 में मांगे तो दोगे 60 में? ये कितने का होगा? 85 का नहीं दिया। 85 का नहीं दिया? ओए होए, 85 का नहीं दिया भाई इसने। और मैंने बोला 60-65 तक में तो सही है, भाई कह रहा 85 में नहीं दिया। खैर इसकी चीज़ है, तो हम चलते आगे की तरफ। जैसा कि ये बच्चे देख सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत और बहुत ही ऊँची हाइट के ये बछड़े हैं। ये ब्लैक एंड वाइट में है, ये भी ब्लैक एंड वाइट में है, लेकिन ये ब्लैक पूरे कलर में आके स्पॉट में आ रहा है वाइट में, और वो वाइट में आके वो ब्लैक में स्पॉट आ रहा है। तो जानते हैं इनका रेट और मोल इसका। अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये मुंह से क्या है? मुंह से क्या है दोनों? एक दो, एक चार है। अच्छा, चार वाला तो मेरे को ये लग रहा है, ये, ये। अच्छा, ये वाला चार है। चलें जी, ये दो दांत है, वो चार दांत है। तो वज़न में बताएं, वज़न में क्या होंगे दोनों? ठीक है, एक का 7.5 माने। तो क्या मोल कर रहे हैं जोड़ी का, ये अलग अलग जोड़ी है? ये 6 लाख, 6 लाख रुपये की जोड़ी है। चलें नंबर भी बता दें अपना। 0307-0307-14-14-122-59। ये जोड़ी है भाई, बाकी आप इनसे कांटेक्ट करके कमी पेशी जो भी हो आप इनसे बात कर लीजिएगा। बछड़े मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं, ये वाला चार दांत है जो ब्लैक एंड वाइट है, ये वाला, और इसके साथ वाला है वो दो दांत है। ये डिमांड है, बाकी कमी पेशी आप देख लें, और इंतहाई खूबसूरत इनकी हाइट है ये बछड़े। इसके साथ भी एक जोड़ा वहाँ खड़ा हुआ है, लेकिन ये उससे बड़ा है। अच्छा, इसी के साथ ये बच्चा खड़ा हुआ है। छोटे क्या मोल कर रहे हो इसका? अच्छा, भाई का बछड़ा है, व्यापारी अदर आते। तो आगे चलते हैं, कुछ आपको ऐसा माल दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, अपना माशाल्लाह व्यूअर्स, छोटी हाइट में बच्चा है। पहले ये बताओ ये 2022 पे लग जाएगा? चलें जी, फिर पूछेंगे इसका रेट, तभी मज़ा है, क्योंकि बकरा ईद में तकरीबन 7 में कितने महीने पड़े हैं? बकरा ईद में 6 महीने, 6 महीने पड़े हैं। ये नस्ल कौन सी है? नस्ल प्योर चोलिस्तानी। प्योर चोलिस्तानी, माशाल्लाह। इसकी झालर देखें, इंतहाई खूबसूरत झालर है इसकी, और इसकी टोल भी करवाएंगे, इसके दांतों का भी पूछेंगे। सबसे पहले ये बताओ भाई, ये देना कितने का है? हाँ ना, ये देना 130 का। 130 का देना है, चलें जी। अब ये पक्का तो खीरा है मुँह से, ठीक है ना? अब ये बताओ इसकी झीरी आई हुई है दांत जुड़े में, वो भी दिखा दो हमारे व्यूवर्स को। जी जी, माशाल्लाह भाई, एक एक आध दाना रखता ले। मैं बहुत शौकीन बंदा हूँ, एक आध दाना रखता हूँ बस। चीज़ ऐसी रखो कि बंदे के दिल पे लग जाए, और पैसों का 1-2 हज़ार या 5 हज़ार का भी मुँह तो कोई फ़र्क नहीं है। तो इसके टोर भी करा के दिखाओ, ताकि लोगों को इसकी चाल का पता चले कि हाँ कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। हाँ ना, 130 बोल रहा, ठीक है जी। पेवर चोलिस्तानी बच्चा है, इस भाई के बाद पहले भी बच्चा था, वो भी इंतहाई खूबसूरत बच्चा था, और अब इसकी टोर करवा रहे हैं। बाकी आप देख लीजिएगा इसके हाथ पैरों में कैसी चाल है, चाल से पता चलता है जानवर, टांगों में, हाइट में लचक पता चलती है। खैर, या तो ये दूर से आया, थका हुआ लग रहा है, इस वजह से ये थोड़ा चल नहीं रहा। कसा हुआ बच्चा है, छोटी हाइट में, ये हाइट वाइट पर निकलेगा खैर। बस क्या मोल कर रहे हो इसका?
140 खीरा है दोनों है। चलो जी 140 मोल कर रहा है और हाइट में इतना अच्छा। ये जो वाला खीरा बछड़ा है इसे छोटा बच्चा ही है लेकिन थोड़ा कसा हुआ है, ये मेरे को खूबसूरत लगा क्योंकि ये हाइट के साथ साथ वेट भी बढ़ाएगा और प्रिंट भी बहुत अच्छा है इसका। जो मैं बता रहा था 85,000 रुपये वो बोल रहा, खैर मेरे को नहीं पता कैसा चाहिए झूठ है। और ये वाला जो बच्चा है ये अपनी जगह सही है और ये दांत कट जाएगा, ये अभी दांत थोड़ा टाइम लेगा, बकरा इतना ये दो दांत हो जाएगा। तो ये कंपेरिजन था जो मैंने आपको बता दिया बाल में, अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ भाई, कोई इतना इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है जो आपके साथ मैं बोलूँ कि यार एग्जैक्ट है, गलतियाँ होती हैं, कमी पेशी भी होगी, तो माजरा तो उसके लिए। इसका पूछते हैं बजड़ी का भाई, ये खीरी है दांतों में क्या मोल कर रहे हो इसका? इसका 140 तो ये देने वाले क्या हो जाएंगे? 10-15,000 कम हो जाएंगे, इससे ज़्यादा कम नहीं होंगे। ठीक है जी भाई, कॉन्टेक्ट नंबर है आपका? एक अभी के वाला ही बच गई, बच गया बताओ। 0336-1365-1365-602-602 ये बहुत चुलबुली लग रही है मुझे, अच्छी है बछड़ी, ये लास्ट वीक भी आई हुई थी और ये सोल्ड आउट नहीं हुई है। अब आप दोबारा देख लें इसको, दोबारा खड़ी हुई है, आपको रेट का आइडिया होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।